हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं 11th क्लास का एक नया चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आज हम लेक्चर 1 शुरू कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको पिछला चैप्टर सेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में हम एक सेल के लाइफ साइकिल के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे और साथ में जानेंगे कि एक सेल किस तरह से दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है, यानी वो अपने अस्तित्व को खोकर दो डॉटर सेल्स को बनाती है। यही सेल के लिए रिप्रोडक्शन का एक तरीका होता है। तो इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली हर सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है दो सेल्स में डिवाइड होकर। तो शुरुआत करते हैं एक डायग्राम देखने से। तो ये डायग्राम बच्चों एक सेल डिवीजन को शो करता है। तो इसमें ऑरेंज कलर का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों डिवाइड होते हुए इस सेल में दिखाई दे रहे हैं। सेल डिवीजन को जानने से पहले थोड़ा सेल के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस पृथ्वी पे सभी जीव सेल से बने होते हैं, चाहे वो जलीय जीव हों, पृथ्वी पर रहने वाले जीव हों या फिर आसमान में उड़ने वाले। सभी जीव सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल उनकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी वो उनके बॉडी को बनाने का काम करती है। साथ में फंक्शनल होती है, यानी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं, जैसे हार्मोन्स का बनना, हार्मोन्स की बात करें तो सलाइवा का बनना, हार्मोन्स का बनना, एंजाइम्स का बनना, हमारे बॉडी में फूड का डाइजेस्ट होना और बहुत सारे वर्क सेल्स के द्वारा ही होते हैं। यानी कहने की बात यह है कि हमारे बॉडी में जो भी इस समय वर्क हो रहा है, फंक्शंस हो रहे हैं, क्रियाएँ हो रही हैं, वो सभी सेल्स के द्वारा ही हो रही हैं, ये सेल्स ही कर रही हैं। तो आते हैं सेल डिवीजन के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सेल डिवीजन सभी जीवों के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, जिसकी हेल्प से एक सेल दो डॉटर सेल्स में बट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम एक सेल को देखकर पहचान सकते हैं कि वो डिवाइडिंग है या नहीं है, यानी वो आगे डिवीजन करेगी कि नहीं करेगी। तो बच्चों, जो सेल्स डिवीजन करने वाली होती हैं, वो अपने कंटेंट को डबल कर लेती हैं, ताकि दोनों डॉटर सेल्स के पास इतना कंटेंट आ सके जितना उनके पास था। इसलिए वो अपने वॉल्यूम को दुगना कर लेंगी, जिससे वो दिखने में नॉर्मल सेल से बड़ी लगेंगी, डबल लगेंगी। तो हम देख के बता सकते हैं कि जब सेल नॉर्मल से डबल दिखे, सेल जल्दी ही डिवाइड होने वाली होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक सेल सेल साइकिल में डिवीजन करने से पहले अपने डीएनए को दुगना करती है, सेल ग्रोथ करती है, उसके बाद डिवाइड होती है। तो एक डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम एक डिवीजन को शो करता है, यानी एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है। तो बच्चों, कोई भी सेल डिवाइड होने से पहले अपने अंदर के कंटेंट को, कंटेंट का मतलब है यानी सेल ऑर्गेनिल्स को डबल करती है, साथ में अपने डीएनए को डबल करती है, ताकि जब वो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो तो उनके पास इतना कंटेंट हो, इतने सेल ऑर्गेनिल्स हो जो एक सेल को चाहिए होते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो इसको एक कहानी से समझते हैं। तो बच्चों, हीरा नाम का एक आदमी था, वो अपने गांव में अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था। हीरा के पास 2 बीघे जमीन थी, जो उसके पापा से उसे विरासत में मिली थी। हीरा के लिए 2 बीघे जमीन काफी थी, जिससे वो अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। 2 बीघे जमीन में वो खेती करता था, जिससे इतनी फसल उग जाती थी कि वो अपने परिवार का पेट भर सके। हीरा के 2 बेटे थे, वो बेटे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तो हीरा चाहता था कि वो अपने बेटों को 2-2 बीघे जमीन दे पाए, ताकि उसके बेटों के पास इतनी जमीन आ पाए जितनी उसके पास थी, ताकि उन्हें भी अपना जीवन जीने में कोई परेशानी ना हो, किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वो भी अपने परिवार का पेट चला सकें जैसे वो चला रहा है। लेकिन अभी उसके पास 2 बीघे जमीन थी, अगर वो दोनों को आधी आधी बांटता तो 1-1 बीघे जमीन आती। इसलिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी
जब तक भी उसके बेटे बड़े होते हैं, जब तक वो मेहनत करता है और कोशिश करता है कि उसकी 2 बीघे ज़मीन 4 बीघे हो सके, ताकि जब उसके बच्चे बड़े हो जाएं तो वो उन दोनों को 2-2 बीघे ज़मीन दे सके। तो बच्चों, हीरा अपने बच्चों को कम से कम इतनी ज़मीन देना चाहता था जितनी उसे मिली है, ताकि अगर उसके बच्चे आगे जाकर कोई और काम ना करें तो खेती करके अपने परिवार का पेट पाल सके। ऐसा ही सैल करती है बच्चों। जब सैल 2 में डिवाइड होने वाली होती है, जब सैल 2 डॉटर सेल्स बनाने वाली होती है, यानी दोनों एक ही बात है, तो वो चाहती है कि दोनों डॉटर सेल्स के पास इतना इतना सेल कंटेंट हो, यानी इतने माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, सेल ऑर्गेनेल्स हो, कि उन्हें अपनी लाइफ को जीने में कोई परेशानी ना हो, वो अपनी लाइफ की शुरुआत अच्छे से कर सकें। इसलिए सेल डिवाइड होने से पहले अपने कंटेंट को डबल कर लेती है। डबल करने के बाद सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है और अपने अस्तित्व को खो देती है। तो सेल डिवीज़न सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का एक मुख्य तरीका होता है, और हर सेल डिवाइड होकर रिप्रोड्यूस होती है, यानी अपनी नई पॉपुलेशन बनाती है। तो सेल डिवीज़न एक सेल का बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। तो आगे डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम है बच्चों एनिमल सेल का। इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं, एक सेल कोशिश करेगी कि डिवीज़न से पहले वो उन सभी को दुगना कर ले, ताकि आगे जाकर नई बनी डॉटर सेल्स में उतने सेल ऑर्गेनिल्स हों जितने इनके पास हैं। साथ में सेल अपने डीएनए को भी दुगना करती है। आगे बात करते हैं सेल साइकिल की। सेल साइकिल होती है, यानी बच्चों सेल की लाइफ साइकिल, यानी सेल अपनी 2 डॉटर सेल्स में बंटने से पहले क्या क्या करती है, अपने जीवन में क्या क्या काम करती है। तो सेल साइकिल एक इवेंट्स का सीक्वेंस होता है। तो सेल साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो वो होते हैं बच्चों अपने जीनोम को, यानी अपने डीएनए को डबल करना, सेल ऑर्गेनिल्स को बनाना, और फिर डॉटर सेल्स में बंट जाना। तो ये एक सेल का पूरा साइकिल होता है। आगे बात करते हैं सेल ग्रोथ की। तो सेल ग्रोथ कैसे करती है बच्चों, सेल अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को डबल कर लेती है, यानी उसके अंदर जितना भी सेल कंटेंट है डीएनए को मिलाकर, उन सभी को वो बढ़ा देती है। इसी को ही सेल ग्रोथ कहते हैं, यानी डीएनए और सेल ऑर्गेनिल्स को डबल करना ही सेल ग्रोथ कहलाती है। तो नॉर्मल सेल छोटी होती है, जबकि डिवाइडिंग सेल नॉर्मल से दुगनी होती है, क्योंकि वो अपने सेल कंटेंट को दुगना कर चुकी है, ताकि डॉटर सेल्स के पास एक सेल कंटेंट के जितना कंटेंट जा सके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सभी जीव अपने जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल के लगातार डिवाइड होने से बनते हैं, यानी कोई भी जीव सिंगल सेल से बना है, तो सिंगल सेल लगातार डिवाइड हो होकर एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की क्षमता रखती है। तो इसे इजी वे में समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो ये है बच्चों डायग्राम जो सेल को प्रदर्शित करता है। तो इस पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कुछ एक कोशिकीय होते हैं, यानी जो एक कोशिका के बने होते हैं, कुछ मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे हम इंसानों की बात करें तो इंसान बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन उसकी भी शुरुआत एक कोशिका से ही होती है। वो एक कोशिका होती है बच्चों जाइगोट। तो जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक स्पर्म और एक ओवम आपस में मिलते हैं। एक स्पर्म और एक ओवम सिंगल सेल होते हैं। जब वो फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं, और वो जाइगोट एक सिंगल सेल होता है जो लगातार डिवाइड हो होकर एक बेबी का निर्माण कर देता है। तो बच्चों होता क्या है, एक स्पर्म अपने आप खुद को डिवाइड नहीं कर पाता,
और ना ही ओवम कर पाता। उन्हें डिवीजन के लिए फ्यूज होना पड़ता है, तो वो फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट से एक बेबी का निर्माण हो जाएगा। तो जाइगोट एक सिंगल सेल था, इसलिए हमने ऊपर पढ़ा था कि हर जीव की शुरुआत एक सिंगल कोशिका से होती है। तो ये सिंगल कोशिका ही इतनी क्षमता रखती है कि ये एक नए जीव को बना देती है। तो ऐसा इंसानों में नहीं होता, सभी जीवों में ऐसा ही होता है। तो एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो आगे बात करते हैं पॉइंट्स की। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इस पृथ्वी पर सभी सेल्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करती हैं दो सेल्स में डिवाइड होकर। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल्स को जन्म देती है। अभी नई बनी हुई डॉटर सेल्स ग्रो करती हैं, अपने सेल कंटेंट को बढ़ाती हैं और फिर दोबारा डिवाइड होकर दो अपनी डॉटर सेल्स में बढ़ जाती हैं। इसी तरह से एक सेल अपनी पूरी पॉपुलेशन को बना सकती है। तो हर डॉटर सेल अपनी डॉटर सेल बनाएगी, वो नई बनी हुई डॉटर सेल्स ग्रो करेंगी, अपने सेल कंटेंट को बढ़ाएंगी, फिर आगे जाकर डॉटर सेल्स में बढ़ जाएंगी। तो यही साइकिल चलता रहता है, सेल ग्रो करती है, डिवाइड करती है, फिर नई बनी सेल ग्रो करेगी, फिर डिवाइड करेगी। यही सेल साइकिल होती है। एक डायग्राम देखते हैं, तो ये सेल डिवीजन का डायग्राम है बच्चों। आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल के एक साइकिल की अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हम इंसान की सेल को कल्चर करके देखते हैं। एक अच्छा तरीका होता है एक सेल साइकिल को देखने का, जिसमें हम एक लैब में सेल को ग्रो करवाते हैं, उसका डिवीज़न करवाते हैं। तो इससे हम एक सेल का सेल साइकिल पता कर सकते हैं, उसका टाइम पता कर सकते हैं। तो इंसानों की सेल कल्चर से हम यूकैरियोटिक सेल्स की स्टडी करते हैं, उनके सेल साइकिल का पता लगाते हैं। तो बच्चों, इंसान की सेल्स 24 घंटे में एक बार डिवाइड होती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इंसान की एक नॉर्मल सेल का सेल साइकिल 24 आवर्स का होता है, यानी वो एक डिवीजन 24 घंटे में पूरा करती है, फिर डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स में बट जाएगी, फिर ये डॉटर सेल्स ग्रो करेंगी और ग्रो करने के बाद दोबारा 24 घंटे बाद डिवाइड हो जाएंगी। तो इंसान की सेल का, ह्यूमन सेल का सेल साइकिल 24 आवर्स का होता है। तो आगे चलते हैं। तो ये है बच्चों कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट में हम किसी भी सेल को ग्रो करा सकते हैं, सेल्स की कॉलोनीज को देख सकते हैं। सेल की कॉलोनीज मतलब एक सेल जब डिवाइड होकर अपनी पॉपुलेशन बनाती है, तो एक सिंगल सेल को बच्चों हम नेक्ड आईज से नहीं देख पाते। तो जब वो अपनी पॉपुलेशन बना लेती है, अपनी संख्या वृद्धि करती है, तो उसको हम कल्चर प्लेट में देख पाते हैं। आगे बात करते हैं कि सेल साइकिल का समय जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि सभी ऑर्गेनिज्म में सेम हो, वो हर जीव में अलग अलग होता है। यहाँ तक कि एक जीव में पाई जाने वाली अलग अलग सेल्स में भी सेल साइकिल अलग अलग होता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यीस्ट का सेल साइकिल 90 मिनट्स का होता है, जबकि ह्यूमन सेल का सेल साइकिल 24 आवर्स का होता है। तो सेल साइकिल जीव टू जीव वेरी करता है, यहाँ तक कि सेल टाइप टू सेल टाइप भी वेरी करता है। तो ये है बच्चों यीस्ट का डायग्राम। तो आगे बात करते हैं हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल की, यानी सेल साइकिल कितने भागों में बटा होता है, उसमें कितने फेजेस आते हैं। तो सेल साइकिल को दो बेसिक फेजेस में डिवाइड किया गया है। वो फेजेस हैं इंटरफेज और एम फेज, क्योंकि माइटोसिस में सेल्स दो में डिवाइड होती हैं, जबकि मियोसिस में चार में डिवाइड होती हैं। तो आगे बात करते हैं, ये डायग्राम मैंने खुद बनाया है। तो ये डायग्राम
ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैंने बनाया है। तो ये एक इंटरफेस को शो करता है, इसमें एक सेल दो में डिवाइड हो गई, फिर उसमें से एक सेल अपने आप को ग्रो करती है, बड़ा करती है, अपने सेल कंटेंट को डबल करेगी, फिर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। तो एक डिवीज़न से अगले डिवीज़न के बीच का जो समय होता है, जिसमें एक सेल अपने आप को डबल करती है यानी अपने सेल कंटेंट को बढ़ाएगी, अपने अंदर के सेल ऑर्गेनल्स की संख्या को बढ़ाएगी, उनको डबल करेगी, तो इसी फेज को इंटरफेज कहते हैं, यानी दो डिवीज़न के बीच का समय। तो इसमें आप समझ ही गए होंगे कि सेल अपने आप को ग्रो करती है, ग्रोथ करती है, तो वो उसका एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है, एक महत्वपूर्ण काम होता है, ताकि वो अपनी आने वाली दो डॉटर सेल्स को इक्वल इतना सेल कंटेंट दे सके जितना उसे मिला था, इसीलिए उसको इंटरफेस का समय दिया जाता है, ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सके और साथ में अपने सेल कंटेंट को बढ़ा सके। तो आगे बात करते हैं, इंटरफेस हो गया, अब बात करते हैं एम फेज की। तो ये शो करता है एम फेज को, माइटोसिस फेज को, जिसमें एक सेल दो में डिवाइड हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरफेस क्या होता है। तो इंटरफेस दो सक्सेसिव डिवीज़न के बीच का समय होता है, यानी दो डिवीज़न के बीच का वो समय अंतराल जिसमें सेल ग्रोथ करेगी, अपने सेल कंटेंट को डबल करेगी, ताकि वो अपने आने वाली दोनों डॉटर सेल्स को इक्वल इतना कंटेंट दे सके जितना उनके पास था। नेक्स्ट है एम फेज क्या होता है। एम फेज एक्चुअल डिवीज़न होता है, जिसमें एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो वो बच्चों इंटरफेस के दौरान इतनी मेहनत क्यों कर रही थी, वो डिवीज़न के लिए कर रही थी, तो एम फेज में डिवीज़न हो जाएगा और वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। आगे बात करते हैं, तो आगे आप पूरे चैप्टर में साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस वर्ड को पढ़ोगे। तो साइटोकाइनेसिस होता है बच्चों, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म का बट जाना, यानी डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, और कैरियोकाइनेसिस होता है न्यूक्लियस का बट जाना। तो कैरियो का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस यानी केंद्रक, तो केंद्रक का डिवाइड होना कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा, और साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना साइटोकाइनेसिस कहलाएगा। तो बच्चों जब भी सेल अपने आप को डिवाइड करना चाहती है, तो वो अपने सेल कंटेंट को डबल करेगी, फिर शुरुआत में वो अपने केंद्रक को डिवाइड करके दो बनाएगी, उसके बाद वो अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करती है। तो न्यूक्लियस को डिवाइड करने के अपने अपने तरीके होते हैं, ये हालांकि आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। और साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीज़न दो तरह से होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में, दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। तो एनिमल सेल में सेल प्यूरो मेथड से होता है, जिसमें सेल उभारों के द्वारा दो में बट जाती है, यानी इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ उभार बनते हैं, वो उभार गहरे होते चले जाते हैं और सेल को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। जबकि प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म के डिवीज़न के दौरान सेल प्लेट्स बनती हैं, वो सेल प्लेट्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा बनाई गई होती हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे पैकेट्स को रिलीज़ करता है, जिससे वो सेल प्लेट बनाता है, वही सेल प्लेट आगे जाके सेल वॉल बन जाती हैं। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में, दोनों में साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को डिवाइड करने के अपने अपने तरीके होते हैं, अपनी अपनी अलग प्रोसेस होती हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए 4-5 लेक्चर ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएंगे। तो अगर कुछ ना आए तो कमेंट करके मेरे को नीचे बता देना, मैं अगले लेक्चर में उसको आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।
मेरे साथ बने रहने के लिए। बाय बाय।